जी हाँ, सो आज हम लेके आ चुके हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वाली फरारी कार की। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में उसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ टेस्टिंग भी करने वाले हैं। जो लोग पहले से क्यूट गोलू चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं उन सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर टेस्टिंग्स कितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं और कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी कार की स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमारी रिमोट कंट्रोल कार 1:24 की स्केल पर बेस्ड मिल जाती है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रेडी टू रन, नीचे मॉडर्न टीम लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारी लैम्बोर्गिनी कार बनी हुई है। इधर आप सभी देख सकते हैं स्पोर्ट कार लिखा हुआ है और पीछे आप सभी देख सकते हैं स्पोर्ट कार ही लिखा हुआ है, पर यहाँ पर दो मॉडल इसके बने हुए हैं। यहाँ पर स्पीड रेडी टू रन, साइड में भी वही कुछ स्पोर्ट कार करके ही लिखा हुआ है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम उन लोगों को शाउट आउट देंगे जिन लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। चलिए हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हमारा टेप तो कट हो चुका है, चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। तो मेनली ये हमारी रिमोट कंट्रोल कार आप सभी देख सकते हैं और यहाँ पर हमें थोड़े बहुत सेल भी मिल जाते हैं। यहाँ पर 5 सेल रखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं ये सारे सेल हमें इसी रिमोट कंट्रोल कार में फ्री मिले हुए हैं। चलिए हम अपनी रिमोट कंट्रोल कार को बाहर निकालते हैं। तो ये 5 सेल हैं जो हमें इसी रिमोट कंट्रोल कार में फ्री मिले हुए हैं। चलिए हम यहाँ पर इन्हें रख देते हैं और बात करते हैं अपने रिमोट कंट्रोल कार की। आप सभी देख सकते हैं हमारी रिमोट कंट्रोल कार रेड कलर में है और यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडर्न टीम। सामने देख सकते हैं स्पीड करके लिखा हुआ है और साइड में भी मॉडर्न टीम लिखा हुआ है। पीछे से हमारी रिमोट कंट्रोल कार देखने में कुछ ऐसी है और यहाँ पर इसका नंबर भी पड़ा हुआ है 451। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर लुक हमें इस वाली रिमोट कंट्रोल कार में प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर इसका एंटीना निकला हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और हमारी कार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पहिया दे रखा है, यहाँ पर हमारा बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पर हमें सेल डालने होते हैं और यहाँ पर हमारी मोटर रखी हुई है और ये रहा स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन। चलिए हम अपने सेल्स को भी इसमें डाल लेते हैं। तो हमारे रिमोट कंट्रोल कार में सेल पड़ चुके हैं, चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। और हमारी रिमोट कंट्रोल कार ऑन हो चुकी है और उसके बाद आप सभी देख सकते हैं ये हमारा रिमोट इस वाली रिमोट कंट्रोल कार का। तो आप सभी देख सकते हैं हमारे रिमोट में भी कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, चलिए हम बैटरीज को भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारी बैटरीज भी पड़ चुकी हैं, तो चलिए अब हम टैप करते हैं इस वाले बटन को, देखते हैं कि हमारी रिमोट कंट्रोल कार आगे बढ़ती है या फिर नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से चल रही है हमारी रिमोट कंट्रोल कार। तो यहाँ पर तो टेस्टिंग करते हुए नहीं बनेगा, चलिए हम अपनी फर्श पर चलते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं ताकि आप सभी को अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने साउट आउट वाले नामों की। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम है परवाज, सेकंड नेम है हाई खुशी, थर्ड नेम है आरजे गेमर, फोर्थ नेम है विकास यादव, फिफ्थ नेम है स्वामी राज, सिक्स्थ नेम है अरोरा, सेवन्थ नेम है नूब निंजा वाईटी, एट्थ नेम है अंकित आर्या, नाइन्थ नेम है टिंकू यादव, टेंथ नेम है कटारा सर्जन बेन। तो ये सभी नेम थे जिन लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। अगर आपको भी अगले वीडियो में अपना नाम चाहिए तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आपका भी नाम हम अगले साउट आउट वीडियो में सेलेक्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।